हेलो, आप सबको नमस्ते। अभी हमारे साथ एक पेंटर भाई हैं हमारे, जो बहुत महान पेंटरों में शुमार हैं। आपका नाम क्या है? सार्थक। उनका नाम सार्थक है। और इनकी जो हॉबीज है वो पेंटिंग है और क्या है? और खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। इनको कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तरकाशी हरसिल के रहने वाले हैं। और जब से भी ये यहाँ पे आए थे लास्ट रिहैब में, तब से ही ये एक अलग किस्म के दिखाई देते थे। वो आज मेरे को समझ में आया कि ये अलग क्यों दिखते थे, क्योंकि इनके अंदर हुनर है। आप भी इनका हुनर देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने ये लास्ट रिहैब की पेंटिंग बनाई है अपने हाथ से। वो बहुत ही प्यारी पेंटिंग है। जो हमें जानते हैं, उन्होंने काफी सारे हमारे वीडियोस में बिल्डिंग देखी होगी हम लोगों की। और ये सार्थक ने अपने हाथ से बनाई है बिल्डिंग ड्राइंग शीट के ऊपर। वो बहुत ही प्यारी ड्राइंग बनाई है इन्होंने। ये हमारा सोफा भी बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे बैठने वाला ये सोफा है। और ये ऑफिस की खिड़की, हमारी फ्रंट वॉल, और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो डिमरी का लोगो है वो भी बनाया। ये गेट हमारा, ये कह रहे हैं कि अभी इनकी पेंटिंग्स थोड़ी सी अनकम्प्लीट है, लेकिन जो कम्प्लीट है वो दिखाओ सार्थक। हाउ ओल्ड आर यू? 21 ईयर ओल्ड। ये बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन बहुत क्यूट हैं। वाओ, ये कहाँ से बनाई आपने सार्थक? बुद्ध की फोटो, डिटॉक्स। ये हमारे डिटॉक्स रूम में लगे हुए हैं गौतम बुद्ध, और बुद्ध को हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं, क्योंकि बुद्ध को हम सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं। अच्छा, आप ही बताओ, बुद्ध का क्या मैसेज पता है आपको? बुद्ध से हम सीखते हैं जी कि हमें शांत रहना चाहिए। वेरी गुड, बुद्ध जैसे। हाँ, शांत होने के लिए हम लोगों के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए बेसिकली। जो हमारे कई लोगों के अंदर एक वो होता है ना, एग्रेशन होता है तेजी, या फिर अटैकिंग हमारे अंदर जो होती है एकदम से लड़ना झगड़ना, तो वो चीज हमने अपने अंदर अपने आप के साथ भी नहीं रखनी होती है। उसे कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही, नॉन वायलेंस इज द बिगेस्ट धर्म को क्या बोलते हैं, रिलीजन। नॉन वायलेंस इज द बिगेस्ट रिलीजन, यानी कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये मैसेज हमको बुद्ध ने दिया था। और यार, ये तो आपने बहुत ही हमारी सोच समझ से परे आपने पेंटिंग कर दी है, तो हम तो इसके बारे में ज्यादा बोल भी नहीं सकते कुछ, सिर्फ इतना बोल सकते कि वी आर वेरी हैप्पी विद यू सार्थक, बेस्ट ऑफ लक यू। ठीक है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भाई? और हम आपके लिए कुछ ना कुछ इसके बदले जरूर आपको कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।